हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुपर डी एमजे में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स के बारे में दोस्तों पढ़ रहे थे। किसके बारे में दोस्तों? पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमने कार्बोहाइड्रेट्स कवर किया है ना। प्रोटीन के बारे में दोस्तों हम जान चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन वाला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों दोनों वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों जानते हैं फैट्स के बारे में, जिससे हम दोस्तों लिपिड के भी नाम से जानते हैं। किसके बारे में दोस्तों? लिपिड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो वसा होता है, फैट होता है, वसा ग्रसराल एवं बसी अम्ल का एक एस्टर होता है। जो वसा होता है दोस्तों, ग्रसराल एवं बसी अम्ल का एक एस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में उपस्थित रहते हैं। क्या दोस्तों? जो वसा होता है, वसा में क्या होता है दोस्तों? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। जो वसा होता है, वसा में कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा, किसकी दोस्तों? ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण ये जल में पूर्णतया अघुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो वसा होता है पूर्णतया जल में अघुलनशील होते हैं, मीन्स जल में ये घुल नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, जो वसा होता है जल में घुल नहीं सकता है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा, कभी प्रयोग किया होगा, अगर आपने प्रयोग नहीं किया है तो दोस्तों आप प्रयोग करके देखें। आपको एक ग्लास लेना है। क्या दोस्तों? आपको एक ग्लास लेना है, उसमें दोस्तों हाफ ग्लास वाटर लेना है, यानी कि आधा ग्लास पानी लेना है, और उसमें दोस्तों थोड़ा सा आपको ऑयल डालना है। क्या डालना है दोस्तों? ऑयल डालना है। फिर देखना है आपको, जो दोस्तों ऑयल होगा, ऑयल वाटर की ऊपरी सतह पर तैरता हुआ नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि उसमें दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, जिसके कारण ये अघुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, परंतु ये जो फैट होता है, जो वसा होता है, परंतु ये अल्कोहल, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। जो वसा होता है ये अल्कोहल, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों, जो वसा होता है, वसा सामान्यतया 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। जो वसा होता है, वसा सामान्यतया सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हों तो उन्हें तेल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो वसा होते हैं, वसा यदि सामान्य ताप पर, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य ताप, लगभग 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य ताप होता है, जो दोस्तों कमरे का ताप होता है, उसे सामान्य ताप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तो उन्हें तेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तेल कहते हैं। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी प्राप्त होता है, तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना दोस्तों? 1 ग्राम वसा में कितना दोस्तों? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों? हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है, परंतु यह तत्काल ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, जो वसा होता है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, सामान्यतया एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 25% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। जो एक व्यक्ति होता है, सामान्यतः उस व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा जो होती है, 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकांड्रिया में होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, तो शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकांड्रिया में होता है। किसमें होता है दोस्तों? माइटोकांड्रिया में होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं फैट जो होता है कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, वसा जो होता है, लिपिड कितने प्रकार का होता है, जो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों? 3 टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है सरल वसा, दूसरा होता है संयुक्त वसा,
और तीसरा प्रकार होता है इसका व्युत्पन्न वसा। ठीक है दोस्तों, अब जो सरल वसा होता है वो भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा दोस्तों, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ठीक है, एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी से बनते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त वसा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, संतृप्त वसा के बारे में। तो ये वसा जंतुओं तथा जंतुओं से बने उत्पादों से प्राप्त होता है। जो संतृप्त वसा होता है ये जंतुओं तथा जंतुओं से बने उत्पादों से प्राप्त होता है। जैसे बात करें, जैसे डालडा हो गया, ठीक है, डालडा हो गया और देसी घी हो गया, ये जंतुओं से बने उत्पादों से प्राप्त होता है। इनका पाचन मानव शरीर में सरलता से नहीं होता है। जो संतृप्त वसा होते हैं इनका पाचन मानव शरीर में सरलता से नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इनमें LDL जिसे दोस्तों कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्या दोस्तों, जिसे कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसमें क्या होता है दोस्तों, पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो संतृप्त वसा होते हैं इसमें LDL पाया जाता है। यदि LDL रक्त वाहियों में जमा हो गया, अब दोस्तों जो LDL होता है जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, यदि दोस्तों ये रक्त वाहियों में जमा हो जाता है तो दोस्तों हृदय संबंधी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाते हैं दोस्तों, हृदय संबंधी बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हृदयाघात हो गया, ये दोस्तों हृदय संबंधी रोग हो गया है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यदि जो होता है वो रक्त वाहियों में यदि जम जाए तो क्या होता है, हृदय संबंधी रोग जो होते हैं उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं असंतृप्त वसा के बारे में। किसके दोस्तों बारे में, असंतृप्त वसा के बारे में। ये वसा वनस्पति एवं वनस्पति से बने उत्पादों से प्राप्त होती है। जो दोस्तों असंतृप्त वसा होती है वनस्पति एवं वनस्पति से बने उत्पादों से प्राप्त होती है। जैसे बात करें, रिफाइंड हो गया है ना, जो तेल हो गया, रिफाइंड तेल होता है, ये दोस्तों किससे बना होता है, वनस्पति से बना होता है। ठीक है, तो वनस्पति उत्पादों से मिलकर बनता है। इसका पाचन मानव शरीर में सरलता से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, असंतृप्त वसा होता है दोस्तों, इसका पाचन हमारे शरीर में सरलता से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एच डी एल जिसे दोस्तों कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उच्च स्तरीय लिपोप्रोटीन, और दोस्तों इसको एक और नाम से जानते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं। HDL दोस्तों जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे दोस्तों कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो असंतृप्त वसा होता है वो किसमें सहायक होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में या HDL के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं संयुक्त वसा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, संयुक्त वसा के बारे में। ये अल्कोहल के बने यौगिक होते हैं। जो दोस्तों संयुक्त वसा होता है, संयुक्त वसा होता है, ये अल्कोहल के बने यौगिक होते हैं। किसके दोस्तों, अल्कोहल के बने यौगिक होते हैं। जैसे बात करें दोस्तों, जैसे फास्फोलिपिड हो गया, क्या दोस्तों, जैसे फास्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे फास्फोलिपिड हो गया और दूसरा हो गया ग्लाइकोलिपिड हो गया। अब दोस्तों फास्फोलिपिड होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। जो फास्फोलिपिड होता है ये कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है, और इसी प्रकार से जो ग्लाइकोलिपिड होता है ये कोशिका कला के निर्माण में सहायक होता है। कौन दोस्तों, ग्लाइकोलिपिड होता है, ये दोस्तों कोशिका कला के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं व्युत्पन्न वसा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, व्युत्पन्न वसा के बारे में। ये वसा असंतृप्त वसाओं के हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। जो व्युत्पन्न वसा होते हैं ये असंतृप्त वसाओं के हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण के पश्चात इनकी भौतिक एवं रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जो व्युत्पन्न वसा होते हैं ये असंतृप्त वसाओं के हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं, और हाइड्रोजनीकरण के पश्चात इनकी भौतिक एवं रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये वसा उपापचय की क्रियाओं में मौजूद रहता है। जो व्युत्पन्न वसा होते हैं ये उपापचय की क्रियाओं में मौजूद रहते हैं, और दोस्तों ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? टर्पीन्स और दोस्तों आइकोसाइनेट्स। ठीक है दोस्तों, पहला होता है टर्पीन्स और दूसरा आइकोसाइनेट। अब दोस्तों टर्पीन्स जैसे कि स्टेराइड हो गया, ये दोस्तों टर्पीन्स का एक उदाहरण है। हार्मोन्स हो गए, ठीक है दोस्तों, ये भी टर्पीन्स का एक उदाहरण है। अब जो दोस्तों स्टेराइड होता है दोस्तों, जिसे हम जो स्टेराइड्स होता है, ये दोस्तों एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल। अब इसका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में क्षमता बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बढ़ाता है दोस्तों? क्षमता बढ़ाता है। अब जो स्टेराइड्स होते हैं, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा जो एथलीट होते हैं, जो धावक होते हैं, वो रनिंग करने से पहले स्टेराइड्स इंजेक्शंस के रूप में ले लेते हैं, है ना दोस्तों? जो इंजेक्शंस के रूप में ले लेते हैं, जिसका कार्य क्या होता है? शारीरिक क्षमता को बढ़ाना। ये दोस्तों स्टेराइड्स लेते हैं। क्या दोस्तों लेते हैं? स्टेराइड्स लेते हैं, जिससे क्या होता है? शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आइकोसाइनाइड्स जो होता है, ये जैसे थ्रम्बोसेंस हो गया और लाइकोसेंस हो गया दोस्तों, ये क्या है? एक आइसोसाइनाइड्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइसोसाइनाइड्स के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बसा के मुख्य कार्य क्या होते हैं। क्या दोस्तों? बसा के जो मुख्य कार्य होते हैं, मुख्य कार्यों के बारे में जानते हैं। तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जो वसा होती है, जो फैट्स होती है, ये शरीर को क्या करती है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। जो वसा होती है कहाँ पाई जाती है? त्वचा के नीचे पाई जाती है दोस्तों। त्वचा के नीचे जमा होकर ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। कौन दोस्तों? फैट। ठीक है दोस्तों, ये खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और भोजन को रुचिकर या स्वादिष्ट बनाती है। जो बसा होती है दोस्तों, खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और भोजन को रुचिकर बनाती है। ठीक है दोस्तों, यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। जो बसा होती है, शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। ठीक है दोस्तों, वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आ जाती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। जो दोस्तों शरीर में थोड़ा रूखासपन आ जाता है, वो किसके कारण आ जाता है दोस्तों? वसा के कारण आ जाता है। और दोस्तों हमारा वजन कम होने लगता है, तो किसके कारण होने लगता है? वसा के कारण शरीर का वजन कम होने लगता है। ठीक है दोस्तों, और शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है। कैसा होता है दोस्तों? वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, मींस जैसे मोटापा सा हो जाता है, जैसे काफ़ी मोटा हो जाता है शरीर। कैसा हो जाता है दोस्तों? काफ़ी मोटा टाइप का हो जाता है और हृदय की बीमारियां हो जाती हैं दोस्तों। शरीर में अधिक वसा लेने से शरीर में हृदय की बीमारियाँ हो जाती एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण जो फैट होता है, वसा होता है, अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। सामान्य मात्रा में ही फैट का उपयोग, वसा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात जान लेते हैं कि जो फैट होता है, वसा के स्रोत क्या होते हैं, वसा किससे किससे हमें प्राप्त होता है। तो घी से प्राप्त होता है वसा, है ना, वनस्पति तेल से प्राप्त होता है, मछली का तेल से प्राप्त होता है, खजूर के तेल से, है ना, जंतु, मक्खन, बादाम, नारियल आदि से हमें फैट प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज हमने वसा के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों आपको बताना क्या दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है, सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।